मैं अखिलेश सर, नाइन्थ क्लास में मैथ के वीडियो मैंने पहले बनाए थे, तो उसमें से काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मिला है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को, एमपी बोर्ड के लिए बनाए थे, उनको भी काफ़ी अच्छा जो है अच्छा रिस्पांस मिला मुझे मैथ के वीडियो जो बनाए थे मैंने। और सीबीएसई बोर्ड में भी नाइन्थ क्लास में जो मेरे वीडियोज़ हैं, अगर जो बच्चे अगर देखना चाहें तो उसमें से काफ़ी अच्छा पेपर जो है पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे हमेशा ही आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस ऐसे बताऊँ जो आ सकें पेपर में। तो मैं अब यहाँ पे जो है साइंस का भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। साइंस का पेपर अब क्योंकि अब आज के बाद अब दो दिन है, आज 13 है, आज तो 13, 14, 15 अब आपके पास दो दिन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये दो दिन में जितना मेरे से पॉसिबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपको जो है भेजूँगा, और आप उन वीडियोस को देख के जो है अपना रिवीजन अच्छे तरीके से और फास्टली कर सकते हैं और समझ के कर सकते हैं अपना समय बचा के। तो मैं क्या है कि कोई भी काम करो तो थोड़ा सा प्लानिंग से करना चाहिए। बच्चे इसी एक अचानक से ही बस पढ़ते हैं, कोई भी गाइड उठाई कहीं से भी कुछ भी याद कर रहे हैं और टेंशन लेते रहते हैं दो दिन रह गए। ऐसे नहीं करना है, एक नए सिरे से काम करेंगे, एक एक यूनिट को एक 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 चैप्टर लिया, उस चैप्टर में मेन मेन चीज़ें देखी, फिर दूसरा चैप्टर उसमें मेन चीज़ें देखी। इस तरह से आप अगर करते हैं रिवीजन तो मैं समझता हूँ आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा और पेपर में भी आपको काफ़ी सिलेबस मिल जाएगा। तो इसी पैटर्न के आधार पर मैं आप शुरुआत कर रहा हूँ आपको बताने की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, और समझ में आए तो और अपने दोस्तों को भी बताना जो है वीडियोस को, और लोग भी देखें तो उन तक भी पहुंचाना। चलिए ठीक है, मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर फर्स्ट से। पहले मैं केमिस्ट्री को बताऊंगा और एक एक करके छोटी छोटी सारी चीज़ों से लेके आगे तक बताऊंगा। देखिए मैंने यहां पे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए लिखा है, जो मेन मेन चीज़ें हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूं, और वहीं से पेपर ज़्यादातर आता है। शुरुआत करते हैं, पहले लिखा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज मैटर। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो मैटर से रिलेटेड तो कुछ पूछेंगे ही पूछेंगे। तो अगर पूछते हैं व्हाट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर या व्हाट इज मैटर, तो आंसर क्या होगा आपका, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या है, पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। और आपका क्या आंसर आ गया, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। बिल्कुल सही बात है, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम अपने नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद मैटर के बारे में अगर पूछेंगे तो डेफिनेशन ही पूछेंगे ज़्यादातर। अब हम देखते हैं मैटर का आगे के लिए, आगे क्या है, देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, विशेषताएं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या विशेषताएँ होती हैं, तो उनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखिए उनकी तीन विशेषताएँ दी गई हैं बुक में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, एक ये विशेषता है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए बुक में एक एग्जांपल दिया है, एक पानी है, पानी में आप नमक या चीनी को घोलिए तो वो पानी उतना ही रहेगा, पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा और नमक चीनी उसमें घुल जाएगी। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि उसमें स्पेस है, स्पेस है, जभी तो उसमें हमने नमक घोला या पानी में चीनी हमने घोली तो क्या हुआ, वो स्पेस जहाँ था वहाँ पे वो चीज़ें आ गई, तो उसमें स्पेस है। दूसरा देखिए, स्पेस गैस में भी है, गैसियस जो भी चीज़ें उनमें स्पेस है, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये भी बात बिल्कुल सही है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ये नहीं कि वो एक ही जगह हैं, मूव करते रहते हैं, ये सही बात है बिल्कुल, ठीक है ना, ये हमें समझ में आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव। अब इसके बाद देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। इसका भी एक आपके में एक्टिविटी दी हुई है जिसमें वो हाथों को क्लिंप करके इस तरह एक के बाद एक, जो असम में व्यू डांस होता है उसका एक वो बनाया हुआ है आपके बुक में, तो आप देख सकते हैं, तो उस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं कि मैटर जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये देखिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये, अब देखिए मेन बात ये नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेन बात ये है कि ये बताते समय ही आपको याद रहें, ये सबसे बड़ी बात है,
यहाँ बताना बड़ी बात नहीं है क्योंकि सब बुक में लिखा है, गाइड में लिखा है, आप खुद ही देख सकते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको उसी समय एट ए टाइम याद होना चाहिए। देखो मैं फिर से फोकस करता हूँ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल ऑफ मैटर जो है उनकी क्या विशेषताएँ, तीन विशेषताएँ। देखिए पहली विशेषता क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस देम। देखिए पहली विशेषता इनके बीच में स्पेस होता है। देखिए ये गैस, जैसे ये गैस है, मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ, देखिए आराम से हाथ मूव कर रहा है क्योंकि स्पेस है, सबसे ज़्यादा स्पेस गैसियस में होता है, फिर पानी में, वाटर में, लिक्विड में कम होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति नीचे डुबकी लगा सकता है, पानी में स्पेस है, जा सकता है। लेकिन जो सॉलिड होता है उसमें स्पेस होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसीलिए सॉलिड अपनी सॉलिड फॉर्म में, जैसे ये बुक है, पेन है, ये सॉलिड है, ठीक है। अच्छा अब पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मूविंग का भी देखिए कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अगर हमने देखिए ऐसे समझ लीजिए, कोई घर में कोई सब्जी बन रही है, उसकी स्मेल एकदम तुरंत अगर उसमें अच्छे मसाले डाल दिए जाएं तो पूरे घर में एकदम स्मेल आ जाएगी। अगरबत्ती जलाइए आप, पूरे घर में स्मेल आ जाएगी। तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, मूव कर रहे हैं ना पार्टिकल्स, तभी तो तुम्हारे पास कोई चीज़ पहुँच रही है। बात समझ में आ गई ना। तो देखिए अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहा कि तुम याद करो, कुछ ऐसा है याद करने जैसा नहीं है ना। तीसरा फिजिकल मैटर ऑफ अट्रैक्ट, देखिए अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, पार्टिकल्स जो है मैटर के वो अट्रैक्ट भी करते हैं। ये नहीं कि एक पार्टिकल बस चला गया कहीं तक दूर तक, ऐसे नहीं होता। पार्टिकल एक दूसरे से बंधे रहते हैं, पार्टिकल मूव एक के बाद एक मूव करते रहते हैं। ये साउंड चैप्टर में आप पढ़ोगे इसको कि जो हमारी साउंड होती है वो किस तरह जाती है, पार्टिकल्स के थ्रू ऐसे जाती है, एक पार्टिकल टकराता है वापस आ जाता है, वो दूसरे पार्टिकल में वाइब्रेशन जाती है, फिर तीसरे में ऐसे जाती है, ठीक है ना। चलिए तो मैं समझता हूँ ये तीनों आपको अब याद हो गए होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब कि मैटर की कितनी स्थितियाँ हैं, तीन स्थितियाँ हैं मैटर, तीन। देखिए एक तो है सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैसियस, ये तीन स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, जिसकी चर्चा यहाँ वैसे भी हो चुकी है। सॉलिड हम जानते ही हैं, पत्थर है, लकड़ी का कोई भी लकड़ी का सामान है, इस तरह की जो लोहे की वस्तुएं हैं सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट हम जानते हैं, ऑयल है, वाटर है, ऐसे, ठीक है। और गैसियस स्टेट हम जानते ही हैं, गैसियस अभी हम जो जिस एटमॉस्फेयर में खड़े हैं ये गैसियस स्टेट है, ठीक है ना। तो ये तीनों स्टेट्स होती हैं मैटर की, ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक डायग्राम भी आप बनाना सीख लेना, एक डायग्राम देखिए मैं, ये एक तीनों स्टेट्स का डायग्राम है। ऐसे डायग्राम आप अगर पेपर में बना के आते हो, इनसे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो आप डायग्राम की हेल्प लेके, अगर साइंस में क्या है डायग्राम बहुत काम करते हैं, साइंस में अगर आप अच्छे डायग्राम बनाते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ये मैं समझता हूँ उसमें। और ये एक डायग्राम है आपको दिख रहा हो पेज नंबर 7 पर, देखिए सॉलिड लिक्विड और गैस, इसको आप इस डायग्राम को भी देखिए, सॉलिड लिक्विड और गैस का जो बना हुआ है, इसमें आप बुक में ही देख लेना, पेज नंबर 7 पे है, इस डायग्राम को बना जाना। देखो पेज 7, पेज नंबर 7 पे आप देखिए इस डायग्राम को बना लेना सॉलिड लिक्विड गैस के लिए। और एक डायग्राम आप ये पेज नंबर 5 पे ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका कवर हो जाएगा यहाँ तक इसके बारे में। अब बारे में अगर कुछ पूछते हैं तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है ना। मेन चीज़ पे हमने यहाँ पे बात कर ली। अब हम देखते हैं, एक मैंने यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के लिए पूछ लेते हैं एग्जाम में कभी कभी, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए ये लिखा है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में जब आ जाता है तो एट द एटमोस्फेयरिक प्रेशर, किसी एटमोस्फेयरिक प्रेशर पर, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे आइस है, आइस वाटर में बदल गई, तो वो वाटर में जब बदलेगी तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे आने के बाद ही बदलेगी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल फिर से एक बार देखें, मेल्टिंग पॉइंट ये देखिए, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, ये अगर पूछ लें तो आप क्या लिखोगे, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, मतलब यहीं तक ये हो गया पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद तो सिंपल, एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, हाँ ये एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, फिर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल डेफिनेशन है। तो ये आप याद कर लीजिए, इसके बाद मैं फिर आगे समझाता हूँ, ठीक है।